Assalamualaikum guys, guys welcome to my YouTube channel Brox Code and Tech. So guys, आज हम start करेंगे C++ का 10th class, जिसमें हम पढ़ेंगे array. तो C++ में arrays क्या हैं? Arrays are used to store the multiple values in a single variable instead of declaring separable variables for each value. अच्छा, arrays बहुत सारे values को एक ही single variable में रखती है, तो हम array कहते हैं. ज़्यादा वेरिएबल वो यूज़ नहीं करती, एक ही वेरिएबल में सारे वैल्यूज हमारे रखती है, ठीक है. टू डिक्लेयर एन एरे, डिफाइन द वेरिएबल टाइप, स्पेसिफाई द नेम ऑफ एरे फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट शुड स्टोर. एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें एरे लिखना पड़ता है, ठीक है. उसके बाद हमें डिफाइन करता है, हमें वेरिएबल की टाइप डिफाइन करनी पड़ती है. उसके बाद हमने क्या करना, ब्रैकेट्स में हमने वैल्यूज उसके रखने पड़ते हैं. तो ये आपको प्रोग्राम में पता समझ में आएगा. उसके बाद एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. यू एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्स नंबर, हमेशा हमारा एरे का इंडेक्स जो होता है वो जीरो होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को. चेंज एन एरे एलिमेंट, to change the value of a specific element referred to the index number. अच्छा, एरे को चेंज करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा. एरे के वैल्यू को चेंज करने के लिए, एलिमेंट को चेंज करने के लिए, मिसलन हम एरे वन चेंज कर रहे हैं, तो एरे वन इज इक्वल टू नीचे असाइन करेंगे दूसरा कोई वैल्यू, ठीक है. उसके बाद लूप थ्रू एन एरे, लूप कैसे बनाएंगे एरे में? यू कैन लूप थ्रू द एरे एलिमेंट्स विद फॉर लूप. फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं एरे में. तो आ जाते हैं हम फंक्शंस की तरफ जो मैंने बनाए हैं. हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है. आपने ये यूज करने हैं दोनों लाइब्रेरीज, ठीक है. स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग यूज करनी है और आईओ स्ट्रीम मेन फंक्शन को रन करने के लिए. उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, उसके बाद आपने एंट मेन वाइड यूज करना है, उसके बाद आपने ब्लॉक बना देना है. ब्लॉक बनाने के बाद स्ट्रिंग कार्स. अच्छा, कार्स का मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसमें चार कार्स हैं, ठीक है, पांच कार्स हैं, बल्कि जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4. तो ये पांच हुई, लेकिन मैंने लिखी चार है. तो उसके बाद मैंने ये डिक्लेयर किए, वोल्वो कामा दी, उसके बाद BMW कामा दी, उसके बाद फोर्ड, फोर्ड के बाद कामा दी मजदा, ठीक है. तो सी आउट फ्रंट क्या करवाना चाहता हूँ, जीरो जीरो, यानी कि जीरो ये, वन ये, टू ये, थ्री ये, जीरो ये हमारी फ्रंट होनी चाहिए, ठीक है. तो ये रन करके देखते हैं, रन हो रहा है हमारा. वोल्वो हमारी फ्रंट होनी चाहिए, तो ये वोल्वो आपकी फ्रंट हो चुकी है. तो ये है एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट इन एरे, ठीक है. उसके बाद हमारा एरे में आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि वैल्यू चेंज करते हैं हम एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. ये यहाँ पर जीरो है तो मैं ये वन कर सकता हूँ, ठीक है. तो ये जीरो मतलब वोल्वो की चेंज हो जाएगी, वोल्वो की जगह पर ओपेल आ जाएगी. अगर ये हम वन कर रहे हैं तो BMW की जगह पर ओपेल आ जाएगी. तो ये प्रिंट में वन करवा रहा हूँ, ठीक है. तो ये रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये आपका रन हो चुका है, तो ये BMW की जगह पर ओपेल आ चुकी है. तो उसके बाद हम CVP के एरे फॉर लूप में सीख रहे हैं, ठीक है. फॉर लूप में कैसे होता है ये एरे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आपने एनीहाउ यूज करनी है. उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, उसके बाद एंट मेन वाइड, एंट मेन वाइड के बाद आपने बना देना है ब्लॉक. उसके बाद स्ट्रिंग कार्स फाइव, ठीक है. फाइव कार्स आपने क्या करनी है, एक डिक्लेयर करनी है फाइव कार्स, ठीक है. फाइव कार्स आपने एरे में एक डिक्लेयर की, कार्स एरे है एक, उसमें आपने फाइव डिक्लेयर किया, मतलब फाइव एलिमेंट्स हैं. उसके बाद असाइन किए उसके वैल्यूज, ठीक है. तो वैल्यूज असाइन करने के बाद आपने फॉर लूप बनाया. फॉर लूप के बाद आपके एरे को यार ये भी प्रिंट हो, ये भी प्रिंट हो, ये भी प्रिंट हो, ये भी सारी प्रिंट हो, ठीक है. तो ये रन करके देखते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कार्स आए यानी कि सारी ये प्रिंट हो जाए, ठीक है. तो ये रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये सारी प्रिंट हो चुकी है, फाइव कार्ड्स, ठीक है. उसके बाद मल्टी डायमेंशन एरे होता है हमारे पास, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है. उसके बाद आपने यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी करना है. उसके बाद एंट मेन वाइड, एंट मेन वाइड के बाद आपने बना देना है ब्लॉक. ब्लॉक बनाने के बाद स्ट्रिंग लेटर्स 2, 4, ठीक है. तो ये जो है ये डिजिट ये है 2, 2, ये का इसका इसके एलिमेंट्स 2 हमने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, इसके 4, ठीक है. तो उसके बाद हमने ब्लॉक बना दिया. ब्लॉक बनाने के बाद अच्छा कह रहा है कि ये कह रहा है कि जीरो जीरो मतलब ये ए, ठीक है. जीरो मतलब ये वाला सेक्शन हमारा जीरो है, ये वाला वन है, ठीक है. जीरो ये प्रिंट हो और जीरो का टू प्रिंट हो, ठीक है. जीरो का टू यानी कि 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, ठीक है. तो ये सी हमारा प्रिंट होना चाहिए, तो ये सी प्रिंट आपका हो जाएगा.
तो रन करके देखते हैं, ये हो गया आपका सी पर रन। ठीक है, तो गाइस ये था आपके एरेज टॉपिक, ये मैं सारा टॉपिक डिस्क्रिप्शन